वन वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और कैसे आप लोग? तो आई होप बहुत ही अच्छे होंगे क्योंकि ठंड कम पड़ गई है और मैंने नहा लिया। और गुन्नू को मैंने स्कूल भेज दिया है और फिर मैंने अपने लिए जूस बनाया जल्दी से क्योंकि मैंने बीच में डाइट को तोड़ दिया था, जो मैंने चैलेंज लिया था, मेरे मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि रीस्टार्ट करना भी थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इस बार मैं सप्लीमेंट के साथ कुछ नहीं कर रही हूँ। जो चीज़ नेचुरल चीज़ है, मतलब साग सब्जी और दाल वगैरह, बस यही ले रही हूँ। और नींबू 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 गर्म पानी के साथ और ब्लैक कॉफ़ी, जो नेचुरल तरीके से जो फैट को बर्न किया जाता है उस तरीके से मैं कर रही हूँ। मैं कोई सप्लीमेंट नहीं, जब मैंने स्टार्टअप किया था तब मैंने सप्लीमेंट लिया था क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बदला होना था, तो मुझे पता नहीं था कि उसका साइड इफेक्ट क्या होता है। इतना मुझे नॉलेज नहीं था, बट मुझे बाद में पता चला कि हार्मफुल होता है ये। और ये भी गारंटेड नहीं थी कि वो सप्लीमेंट ओरिजिनल है या नहीं है। मेरे ट्रेनर ने दिलवा दिया, बता दिया ये वो फलाना ठिकाना, तो डर था कहीं ना कहीं अंदर की कोई ऑर्गन डैमेज ना हो, किडनी लीवर जो भी। तो इसलिए मैं कोई रिक्स नहीं लेना चाहती अपने लाइफ के साथ। तो जहाँ लाइफ में इतना हार्ड वर्क है, थोड़ा सा और हार्ड वर्क कर लेंगे, कोशिश करूँगी और मैं नेचुरल तरीके से ही अब जो फैट है बर्न करूँगी। भूख लगता है जब हम सप्लीमेंट लेते हैं ना, सप्लीमेंट में वो क्या तो एक होता है जो मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं बताऊँगी, जो भूख को वो मिनिमाइज कर देता है। भूख मतलब लगने ही नहीं देगा। अगर आप कंटिन्यूटी में सप्लीमेंट ले रहे हैं ना, तो एक लिमिटेड ही भूख लगेगा आपको। जैसे नेचुरल तरीके से हमें भूख लग जाती है कि ये खा ले वो खा ले, ये चीज़ें नहीं होती है उस समय, क्योंकि वो हमारे भूख को ख़त्म कर देता है, सॉरी मिनिमाइज भी नहीं करता है, ख़त्म कर देता है। अगर आप नेचुरल तरीके से फॉलो करें, शुरुआत करें, तो बहुत तकलीफ़ें होती है। सबसे बड़ा तो जो हमारा होता है वो हमारे माइंड का ही खेल होता है कि हम मेंटली कितना स्ट्रांग है। वो अगर आप डाइट शुरू कर रहे हो ईमानदारी के साथ और ये अपने साग सब्जी दूध के साथ, तब पता चलेगा कि आप मेंटली कितना स्ट्रांग है। क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है ना, वो मतलब कि हमारे बस में नहीं रहता कि ये खा ही लो जो मर्जी हो, मतलब रोक नहीं पाओगे अपने आप को, ऐसा होता है। तो अभी जो है मैंने ये जूस बनाया था, नहा के आई हूँ मैं अभी, तो पूजा करके फटाक से मैंने जूस बनाया और बहुत ही अजीब सा इसका टेस्ट होता है, लेकिन मैं पीऊँगी, ये हेल्थ के लिए अच्छा है। कल को मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊँ, किडनी डैमेज हो, लीवर डैमेज हो, या जो भी हो, उससे बेटर ये है। ओहो मैं एक और चीज़ की एडिक्टेड हूँ, चाय की। तो चाय मुझे बहुत, मतलब छोड़ना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा चाय, मतलब मैं छोड़ नहीं सक रही, नहीं छोड़ पा रही हूँ चाय को। बहुत ही मेरे लिए वो हो चुका है, जैसे शराबियों के लिए शराब होता है ना, खैने गुटखा खाने वालों के लिए जो वो एडिक्टेड होते हैं ना कि बस चाहिए चाहिए, तो उस तरीके से मेरा भी दिमाग है। लेकिन मैं धीरे धीरे अपने आप को, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कर लूँगी, हो जाएगा, ये चीज़ें नहीं होती है। ये मैंने भी बहुत बोला है कि हाँ मैं कर लूँगी, हो जाएगा, है ना। सोचना बोलना बहुत ईजी है, लेकिन करना जो होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो मुझसे तो बहुत मुश्किल है चाय को छोड़ना, लेकिन मैं चाय में शुगर नहीं ले रही हूँ और अभी मैं शुगर फ्री ले रही हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ स्टार्टअप किया है। तो मैं सोच रही हूँ स्टेप बाय स्टेप ही इसको वो क्लोज करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है और फिर मैं इरिटेट हो जाती हूँ, और इरिटेट जब होती हूँ तो जो मेरे चैनल के लिए जो मुझे अपने चैनल के लिए वर्क करना होता है, उस पर मेरा कोई फोकस नहीं होता है, किसी चीज़ पर कोई फोकस नहीं होता है, बहुत चिड़चिड़ा सा माइंड हो जाता है। ठीक है, जब आपके ऊपर सब कुछ रहता है ना, तो मैं यही बोलूँगी, आप अपने आप को बैलेंस करके चलिए तो सब कुछ अच्छा होगा। बोलने वाले बहुत बोलते हैं, एडवाइस देने वाले बहुत देते हैं, क्योंकि उनको एडवाइस देना होता है, वो कर नहीं सकते ना आपके साथ। अगर उनको करना पड़े ना आपके साथ,
तब वो एडवाइस भी नहीं देंगे। तो मैं यही बोलूंगी आप अपने अकॉर्डिंग चले और अपने अकॉर्डिंग जो डाइट है कैसे मैनेज करना है वो सब देखिए। आजकल तो आपको गूगल पे और यूट्यूब पे हर चीज मिल जाता है ना, तो वहाँ पे आप बेस्ट जो यूट्यूबर है, जो अच्छे इन्फ्लुएंसर है, जो अच्छे जिम से रिलेटेड है, डाइट से रिलेटेड है, आप उनका देखिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, उनसे मिलिए। मैं आपको यही बोलूंगी हेल्दी रहिए, ठीक है। तो आज ना मैं अपने बाल भी जो व्हाइट बाल है ना उसको मैं ना मैं कलर करने वाली हूँ, और मेरी सिस्टर इन लॉ भी ले रही थी कलर, उसने बरगंडी कलर ले लिया और उसने मुझे बोला दीदी ले लो ले लो ले लो, मैंने भी ले लिया। मैंने कहा चल ले लेते हैं, देखते हैं ट्राई करके क्या होता है। तो अब मैं कलर कर अभी मैं चाय पीऊँगी और चाय पी के फिर मैं बालों को कलर करूँगी। तो चलिए, रात को मैंने बादाम और किशमिश भिगो रखे थे क्योंकि मीठा मेरा बहुत फेवरेट है। तो मैं जो मीठा अब जो मीठा लूँगी तो मैं किशमिश और किशमिश से ही लूँगी, किशमिश में आता है और किसी चीज़ में नहीं आता है, सॉरी कुछ भी बोल देती हूँ। तो इसको खाऊंगी मैं, जूस ले लिया मैंने और चाय मैंने चढ़ा दिया, पानी गर्म हो रहा है, इसका छिलका नहीं उतर रहा यार, छोड़ो छिलका समेत खा लेते हैं। इसने चोचली बाजी, मेरे बाल ना बहुत ज्यादा गंदे हो गए थे। पापा के घर गई थी, वहां पर पानी में बहुत ज्यादा आयरन होता है तो बाल ना और चिपचिपे से हो गए थे, इसलिए इसको वॉश करके फिर कलर करूंगी। तो मैं ये कर रही हूँ बालों में कोम, इसको सुलझा लूँ पहले मैं अच्छे से क्योंकि बहुत ही पीछे पे। मैं करूंगी थ्रेडिंग क्योंकि मेरे निकल गई है मुझे, तो आज मैं सोच रही इससे करूं। ये रहा पाउडर, ये थोड़ा बड़ा था फिर मैंने इसको छोटा किया। आउच, बहुत बड़ा है।
मैंने अपने जो यहाँ के हेयर थे उसको रिमूव कर लिया मैंने। थोड़ा सा दर्द नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो अब हम करेंगे हेयर ड्राई। हो क्या कांड, मेरे साथ हमेशा यही होता है, बल्कि मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है इस ब्रश के जैसी। यहाँ पे लगा के ठीक है, ये हो गया, ये हो गया कलर। ये कलर मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, मैं देखती हूँ मेरे पर कैसा जाएगा। वैसे तो मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग ग्लोबल जाता है। अब मेरा स्किन टोन जो है वो थोड़ा डार्क हो गया है, लेकिन ट्राई करके यार इसका कलर बहुत प्यारा है। इसकी पैकेजिंग तो है ही अच्छी, कलर भी मिला जुला के बहुत अच्छा है। और इसके साथ मिला है ये यार ग्लॉव्स आता है, ग्लॉव्स तो उन्होंने दिया ही नहीं, दे रखा है कैसे यूज करना है। ग्लव्स पहने पंद्रह मिनट बाद इसको वॉश करना है। अब यहाँ से इसको कट करेंगे। वैसलीन लगाना होगा मुझे, वैसलीन लगा लेती हूँ पहले। और मैं अपने कानों पे भी लगाऊंगी। इसको हम मिक्स करेंगे दोनों को अच्छे से। तो गाइस ये बनके रेडी हो चुका है। अब इसको हम अपने बालों पे अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं।
तो मैंने अप्लाई तो कर लिया है सारा अच्छे से। अब ड्राई होने के बाद और 15-20 मिनट के बाद देखते हैं, जब ये अच्छे से सूख जाता है और वॉश करने के बाद। पहले मैं इसी गार्नियर का ही मैं वो लगाती थी, ब्लैक कलर का, तो इचिंग होता था। बट मैंने इसको अप्लाई जो किया है ना, इसके बाद मुझे स्कैल्प पे इचिंग नहीं हो रहा है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं आपको एक बार दिखाऊँ तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप लोग करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मुझे इचिंग नहीं हुआ आपको इचिंग ना हो, आपको हो सकता है, बट मैं श्योर नहीं इस चीज़ के लिए कि हो या ना हो। तो गुन्नू का टाइमिंग हो गया स्कूल से आने का, 1:35 हो गया है, तो उसके लिए खाना बनाना है और मुझे अपने लिए भी खाना बनाना है। तो चलिए खाना बनाते जल्दी से। गुन्नू के लिए मैं बना रही हूँ आलू का भुजिया, क्योंकि उसके लिए एक आलू बहुत है। क्योंकि वो थोड़ी देर में आ जाएगी और भूख भूख चिल्लाएगी। कल मैंने उसके लिए ना करेले का भुजिया बनाया था, वो थोड़ा सा जल गया था, बट उसने खा लिया अपनी भूख को शांत करने के लिए। शाम को उसने मुझे अच्छे से सुनाया, बोली मम्मी मैं रो रो के खाना खाई थी। मैंने कई बार पहले बोला था, मतलब उसने 60 रुपए का बर्गर खा के फिर वो मुझे बता रही मम्मी जो सुबह आपने सब्जी बनाई थी ना मेरे लिए, वो बहुत ही न्यायी थी, बकवास सब्जी बनी थी। तो अब मैं इसके लिए आलू का भुजिया बना लेती हूँ, बट मैं इसको जलने नहीं दूंगी। मैंने अपने लिए लिया है मूंग दाल, ये फुला हुआ है रात भर का, और अब मैं इसमें जो है कद्दू मिक्स करके अपने लिए बनाऊंगी, हल्का सा तेल और हल्का मसाले के साथ। ये रहा कद्दू, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। वाह बहुत ही अच्छा है, मतलब अंदर से ये पका हुआ नहीं है, बीज वाला नहीं है। वैसे ये मैंने गुन्नू के लिए पूड़ियाँ बनाई हैं, थोड़ा सा लास्ट पूड़ी जो है थोड़ा सा ज़्यादा पक गया, जल नहीं गया। और ये उसके लिए आलू की भुजिया और पूड़ी, और मैं अपने लिए बना रही हूँ ये मूंग दाल और कद्दू। मेरा जो खाना है ना, मैं उसको थोड़ा सा तड़का लगा के, यार ये बरगंडी से ब्लैक हो गया है, तो फिर मैं इसको जल्दी से वॉश करके तो फिर मैं आती हूँ आपके सामने। तो गाइस बाल मेरे कलर हो गए थे और सूख गया, और मैंने इसको वॉश कर लिया, बहुत अच्छे से कलर हो गए हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी कहीं मुझे लग रहा है, लग नहीं रहा है, स्किन भी थोड़ा सा ना लाल हो गया है, थोड़ा नहीं तो कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा लाल हो गए, बहुत अजीब सा लग रहा है। तो अच्छा है, मिला जुला के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और गुनगुन आ गई, गुनगुन खाना खा लिया, गुनगुन दूध गर्म कर रही है, अभी मैं इसको बोलूँगी चाय बनाने के लिए, चाय पीऊँगी। और कहीं आज का जो ये व्लॉग है ना, मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड गुड नाइट।